मंचासीन अन्य नोडल शिक्षकगण, आईसीडीएस से सुपरवाइजर श्रीमती संतोष कुमारी, हमारी स्कूल की अध्यापक अध्यापिकाएं और आंगनवाड़ी टीचर, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज जैसे ही कल एबीसी साहब ने डिसाइड किया कि एक प्रोग्राम होना है, तो अभी तक क्या होता था, दो जो सेशन थे उसमें ये था कि भागा दौड़ी होती थी कि कहीं जाना है आना है। पूनम जी एक बार नाराज हो गई थी, एक प्रोग्राम में आना था, मैं आ नहीं पाया था। और कई भी प्रोग्राम हुए तो 10 मिनट या 15 मिनट दिए, लेकिन इस बार पहले डिसाइड कर लिया था आज का ही प्रोग्राम नहीं रखना, वो पूरे विस्तार से चीज़ों को बताना भी है और सुनना भी है। तो हमने देखा कि आज प्राथमिक विद्यालय भाएंगी भंगेला बिहारीपुरा ने बड़ा सुंदर कार्यक्रम बच्चों के माध्यम से प्रस्तुत कराया, और मैं मानता हूँ कि टीचर का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी चीज़ में। और ये जो आंगनवाड़ियों ने हमारे यहाँ प्रस्तुत किया, जैसे गीता जहांगीरपुरी या फिर मंसूरपुर से हमारी थी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, मतलब हम लोगों ने भी इतनी प्रतिभा, या पूनम सोम खेड़ी रांग डांग से, तो ये चीज़ें बड़ा देख के अच्छा लगता है और गर्व का। देखिए, कोई ये ना सोचे कि सबसे पहली बात है कि हमारा सम्मान कब होगा, हमारा सम्मान तब है जब आप लोग उसे परफॉर्म करेंगे। हमारी पहचान और हमारे कार्य का सम्मान वो तब है जब आप परफॉर्म करेंगे, आपसे ही हम लोगों की पहचान है। तो मैं अपनी जो शब्द होंगे उनमें दो चीज़ों में विभाजित करूंगा, पहले विभागीय योजनाओं के विषय में कि पहले आंगनवाड़ी का क्या सिनेरियो था, क्या स्ट्रक्चर था, अब उसमें क्या परिवर्तन आ गया, क्या क्या आंगनवाड़ी केंद्र जो हैं सुसज्जित हैं, और उसके बाद सामान्य बातें। देखिए, जो आंगनवाड़ी आज से 10 या 15 साल पहले, अभी आदरणीय कपिल जी जो मंच को संभाले हुए संचालन कर रहे हैं, वो बता रहे थे कि पहले आंगनवाड़ी का जो भूमिका थी केवल पोशार बांटने तक, लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019-20 परिप्रेक्ष्य में आती है तो भूमिका बदल जाती है। अब शिक्षा का पैटर्न बदल जाता है। पहले हमारे यहाँ प्राइमरी जो शिक्षा थी 6 से 14 वर्ष की थी, उसको भारत सरकार ने बदल के 3 से 14 वर्ष में कर दिया, और जो शिक्षा का पैटर्न कर दिया वो 5+3+3+4, और 5 साल की जो प्रारंभिक शिक्षा थी इसका नाम दिया एलिमेंट्री एजुकेशन। इस एलिमेंट्री एजुकेशन में 3 साल बच्चे को पढ़ाएंगी आंगनवाड़ी, और 2 साल फर्स्ट और सेकेंड क्लास पढ़ाएंगे प्राइमरी स्कूल के अध्यापक। तो ये सिनेरियो है। जो पूर्व के आंगनवाड़ी केंद्र होते थे उनके पास किसी प्रकार का, हम लोग कहते थे कि ECC एक्टिविटी कराओ, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई ECC एक्टिविटी कराने के साधन नहीं थे। लेकिन मैं सभी सम्मानित स्कूल टीचर और जो मंच पे उपस्थित हैं, मैं सबको बताना चाहूँगा अब आंगनवाड़ी सेंटर किस किस चीज़ से सुसज्जित हैं।